एक ऐसा तरीका है कि बहुत सारे लोगों को हम सर्व कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हर तहसील में 15,000 लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है। अभी उन 15,000 लोगों को हमने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, बोला है कि हम ये सब करेंगे, आपके लिए अच्छी आमदनी, एक अच्छा इनकम हम लोग निर्माण करेंगे। लेकिन बात सिर्फ वो 15,000 लोगों की नहीं है, उन 15,000 परिवारों की नहीं है, कई सारे ऐसे भी किसान हैं कि जो शायद आज हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये होगा कि नहीं। आप इतना जो अच्छा कर रहे हो वो होगा कि नहीं, उस लेकिन वो देख रहे हैं और मन ही मन उनकी इच्छा है कि लेकिन ये होना चाहिए। मुझे भी मेरी भी आमदनी में वो इनकम या मुझे भी जो जो सपोर्ट चाहिए वो मिलना चाहिए। उसके अलावा कई सारे ऐसे किसान भी है कि जिनकी खुद की जमीन नहीं है, आज दूसरे के यहाँ वो जाके काम कर रहे हैं, खुद की जमीन वो बेच दी कुछ कारण की वजह से, उनको भी चाहिए ना कि एक अच्छी अच्छा इनकम मिले। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी है कि जो नौकरी की वजह से गांव छोड़ के शहर में गए थे, पिताजी थे जो काम कर रहे थे और पिताजी के तनख्वाह की वजह से पूरा घर चल रहा था। अभी पिताजी रिटायर हो चुके हैं लेकिन आज भी उनसे जो पेंशन आती है उससे घर चलता है, बच्चे बड़े हो गए लेकिन नौकरी नहीं है उनके पास। ये सभी परिवारों की जिम्मेदारी हमारी है, ये सभी परिवारों को जो हमने बोला है वो काम करने की, भले वो अपने 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 मेंबर्स हो नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन पूरे तहसील के वो परिवार चाहे शहर में रह रहा हो गांव में रह रहा हो उसकी पूरी जिम्मेदारी अपनी है। तो अगर ये जिम्मेदारी अपनी है तो उसके लिए कौन सा ऐसा काम है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके से हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों की सेवा कर सके, तो उसी के लिए है ये एमकोल। क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी लोग, ये सभी जो परिवार हो क्या चाहते हैं मुझे बताइए, वो चाहते हैं रोजगार, वो चाहते हैं एक सम्मानजनक एक आमदनी, एक रिस्पेक्टेबल इनकम, वो चाहते हैं कि उनको महीने की इतनी इनकम मिले जिसके वजह से वो अपने घर का सबका पेट पाल सके, इतना इनकम मिले कि जिसके वजह से उसके उनके बच्चे स्कूल में जाए, माँ बाप के दवा पानी जो है उसकी उसका बंदोबस्त हो, और बस यही तो सबको चाहिए ना जिसके वजह से सब काम कर रहे हैं। तो अगर ये सभी परिवार ऐसा समझते कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो किस तरह से उसको पूरा करेंगे हम लोग, कौन सा तरीका है पूरा करने का? तो एक ही तरीका है दोस्तों, और वो है बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना और उसको बेचना, बस यही है, यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जब हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, ज्यादा लोग काम के लिए लगेंगे, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा, किसानों को ज्यादा रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, उनको ज्यादा अच्छा इनकम मिलेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन कटिंग में शामिल है, बेचने में शामिल है, उनको अच्छी आमदनी होगी, इनकम होगी। तो एक्चुअली जो बात जो बिजनेस से एक्सपेक्टेड है पूरी दुनिया को, जो होना चाहिए बिजनेस के साथ, वो एक्चुअली रियल टाइम में होगा अगर हम ये बिजनेस करेंगे। तो अगर ये पूरे तहसील की जिम्मेदारी अपनी है और हमने सुना है कि हमें मैक्सिमम बिजनेस करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए सभी लोगों के, ये सोचते हैं ना हम लोग जब कुटुंब प्रमुख होते हैं, हम जब परिवार के प्रमुख होते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे घर में इतने लोग हैं और मुझे इनके सबके लिए मुझे इतने पैसे कमाने हर महीने। तो अगर हम पूरे तहसील के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको ज्यादा से ज्यादा करें, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं, उसमें जाएंगे ना। हमें फैंसी प्रोडक्ट कुछ है नहीं चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए कि जो हम मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं, मैक्सिमम उसको बेच सकते हैं और मैक्सिमम उसके जो पैसे है आमदनी लोगों के लिए में बांट सकते हैं, और वो प्रोडक्ट है एमकोल। दोस्तों ये कोयला एक ऐसे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, जितना हम लोग तैयार करें उतना कम है। आज 8,000 मिलियन टन के जो मार्केट है, ऐसा समझे कि ये तब का मार्केट है कि जब कोयला सिर्फ कोयला करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए आने वाले दिनों में जब एमकोल एलपीजी को रिप्लेस करेगा, एमकोल जब फर्नेस ऑयल को रिप्लेस करेगा, एलडीओ को रिप्लेस करेगा, डीजल को रिप्लेस करेगा, तो सोचिए क्या उसकी क्या मार्केट होगी, उसकी क्या डिमांड होगी। और ये हमारे हर गांव में भी अगर बनेगा तो भी हम उसको बेच सकते हैं, इस तरह का ये प्रोडक्ट है। और हमने भी क्या किया, अभी अगर आप देखोगे तो डे वन से जो बोला हमने किसानों को सभी को कि आप नेपियर ग्रास उगाओ, नेपियर ग्रास ही उगाना है आपको, नेपियर ग्रास के इतने पैसे मिले तो उनको इतने ही मिलने वाले,
एमवीपी जो है उनको जितना इनकम मिलने वाला था वो उतना ही मिलने वाला है। हमारे जितने भी चैनल पार्टनर है, गांव गांव में बैठे हुए हमारे जो इतने फैमिली के मेंबर है, वो जितना काम कर रहे हैं उनको जितना पैसा मिलने वाला था उतना ही मिलने वाला है। सिर्फ एंड का जो प्रोडक्ट है वो निकाल के हमने ऐसा प्रोडक्ट डाला जो पूरी दुनिया में जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। और दोस्तों इस एमकोल का क्या इम्पैक्ट है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एक एमकोल का प्रोजेक्ट हम लोग लगाते हैं तो कितनी मैन पावर लगेगी हमको। तो इस एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले, एक एमकोल के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमें लगेंगे 24 अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर, लेबर ऐसे अकुशल कामगार बोलते हैं ना वैसे, पढ़े लिखे एकदम कम हो तो चलेगा, कोई जरूरत हमारे गांव के वहां के अकुशल जो पढ़ाई भी कम है बाकी ज्यादा कुछ उनको ही स्किल नहीं तो भी चलेगा, ऐसे 24 लोग लगेंगे। हर शिफ्ट में 8 लोग, ऐसे 24 लोग दिन के लगेंगे। ये रॉ मटेरियल का काम करेंगे, मशीनरी से संबंधित काम करेंगे, बाकी का जो भी काम है वो करेंगे। इनको जो काम करना है वो क्या काम करना है उसके बारे में ट्रेनिंग हम देंगे। उसके अलावा चाहिए हमें 9 सिक्योरिटी गार्ड्स कम हेल्पर। अभी ये भी सिक्योरिटी गार्ड यानी उनको भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे गांव के तहसील के जो भी कम पढ़े लिखे भी होंगे तो भी चलेगा। वो सिक्योरिटी का भी काम करेंगे, बाकी का गाड़ियों गाड़ियां जो आएगी उनका चालान बनाना, रिसिप्ट बनाना, ये सब काम भी वो करेंगे। 3 सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे एक शिफ्ट में, ऐसे 3 शिफ्ट में 9 जन लगेंगे। उसके अलावा हमें लगेंगे 12 स्किल्ड मैन पावर, हर शिफ्ट में 4, यानी टोटल 12 ऐसे लोग कि जिन्होंने जो हमारे आईटीआई से है, जो हमारे डिप्लोमा उन्होंने की इंजीनियरिंग में किया है, इंजीनियर्स हैं जो हमारी मशीनों को चलाएंगे, मशीनों की देखभाल करेंगे, प्रोडक्शन जितना हमें करना है वो सब करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक अकाउंटेंट जो जमा खर्च ये सब कुछ हर दिन का करेगा, हर महीने का करेगा और साल में। फिर हमें चाहिए ऑफिस में एक एक अधीक्षक, एक क्लर्क, ये एक ही फॉर द टाइम बिंग एक आदमी भी रहेगा तो भी ये काम कर सकेगा। उसके अलावा हमें चाहिए एक असिस्टेंट मैनेजर, एक मैनेजर जो रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक पूरे जो जनरल मैनेजर है उनको हेल्प करेगा, जहां जहां जरूरत पड़े वहां हेल्प करेगा, और ये इंजीनियर रहेंगे। और फिर होगा एक जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ने ऐसा समझे कि पूरे फैक्ट्री के बॉस, हर कोई चीज छोटे से लेके कोई भी चीज अगर हो तो वो अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी कौन रहेंगे, तो जनरल मैनेजर। और ये जनरल मैनेजर सबको गाइड करेंगे, सबको ट्रेन करेंगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करेंगे। तो टोटल 49 लोग हमारे एक फैक्ट्री में लगेंगे। एक फैक्ट्री की वजह से 49 लोगों को हम रेगुलर सैलरी देंगे, 49 परिवार को एक अच्छी आमदनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जितनी मैन पावर लगेगी ये रॉ मटेरियल कट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, उसको भी वो भी एक अलग विषय है। क्योंकि हर जगह अगर आप देखोगे हर तहसील में अपनी अपनी एक परिस्थिति होगी, वहां की ज्योग्राफी अलग होगी, वहां की बाकी कुछ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ अलग होगी, तो हो सकता है कुछ हाथ के मशीन हो बाकी कुछ हो, कि वो हर दिन 100 टन माल उसको कट करके ट्रांसपोर्ट करना, ये सब कुछ करना है, तो बहुत सारी मैनपावर वहां भी लगी और वो भी कंटिन्यूअस लगेगी। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं या 49 लोगों को, वैसे ही कंपलसरी बेसिस पे ये सभी परमानेंट बेसिस पे ये लोग काम करेंगे। दोस्तों गाड़ियां लगेगी, अभी 100 टन माल के खेतों से अगर फैक्ट्री तक लेके जाना है तो कौन सी गाड़ी है, उसकी क्या कैपेसिटी है, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन, और वो गाड़ी कितने राउंड करेगी एक गाड़ी, तो उस गाड़ी के ऊपर एक ड्राइवर लगेगा या बाकी, ये भी चीजें हमें लगेगी पूरा। उसके एक बार प्रोडक्शन होने के बाद, एमकोर पूरा होने के बाद उसको अगर जो बेचना है उसके लिए भी लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, उन चीजों के लिए भी लोग लगेंगे, जो व्यवस्था है वो लगेगी। तो टोटल अगर आप देखोगे और हाँ कि किसान दोस्तों, हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले, एक फैक्ट्री के लिए जितनी जमीन हमें नेपियर ग्रास के अंदर खेती करवानी है वो लगभग 100 हेक्टेयर है, और हर हेक्टेयर पे हमें 500 टन आउटपुट लाना है। अभी ये भी हमारी जिम्मेदारी, मैं आपको बोलता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी कि 500 टन हर हेक्टेयर
पे हमारे किसान के यहाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि 500 टन जब मिलेंगे तब उसकी जो तो इनकम जो होगा वो 5 लाख का होगा, 1 हेक्टेयर से 5 लाख रुपए का इनकम होगा। और अगर 1 हेक्टेयर से 5 लाख रुपए का इनकम हुआ तो इसका मतलब है 1 हेक्टेयर से आराम से 2 परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, 2 परिवार आराम से 2.5 एकर या 1 हेक्टेयर इतने जमीन के ऊपर एक अच्छा गुजारा, एक अच्छी आमदनी उनको मिल सकती है, 1 हेक्टेयर के ऊपर 2 परिवार या 2 एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो 500 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्षी ये लाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो किसान आज भारत में किसानों की ऐसी परिस्थिति है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आज हमारे देश की जो उत्पादकता है और बहुत सारे किसानों की जो उत्पादकता है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उनको राइट प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिलता, राइट ट्रेनिंग नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो आज अगर आप देखोगे तो हमारे फैमिली में जो नेपियर ग्रास के प्रमुख है कुंडू बेरी साहब, उनको अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो वैरायटीज डेवलप की है, जिस तरह से वो एग्रोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने 1 हेक्टेयर पे 1500 टन से भी ज्यादा वो आउटपुट लेते, 1500 टन से भी ज्यादा, और उनको सर्टिफिकेशन मिला है। मैं कहता हूं कि 1500 नहीं 500 टन हमें हर हेक्टर पे लाना है। तो उसके लिए इसीलिए हम कहते हैं कि हर फैक्ट्री के यहाँ जब भी आपको शुरुआत करनी है, जब भी किसानों के पास जाना है, तो पहले आपको नर्सरी करनी है ताकि राइट प्लांटिंग मटेरियल आप किसानों को दें, जिसकी वजह से ज्यादा उनको फसल मिले। और उसके साथ वो उनको बताना भी जरूरी है कि काम कैसे करना है, वो एग्रोनॉमिक क्या प्रैक्टिसेस है, किस तरह से प्लांटेशन करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो शायद 500 नहीं 100 टन भी उनको मिले ना 1 हेक्टेयर के ऊपर। तो ऐसा समझे कि इस बिजनेस मॉडल में जब भी किसानों की बात आएगी, जब भी उनकी फसल की बात आएगी और उनकी आउटपुट की बात आएगी, ये हमारी